अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 12 के अगले न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 12.4 है। इसमें न्यूमेरिकल क्या कहता है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन। पोजीशन दी हुई है, ठीक है, वेक्टर की सूरत में। कॉज बाय अ पॉइंट चार्ज, चार्ज दिया हुआ है हमें 5×10^6। अब हमने क्या करनी है, प्लेस फाइंड करनी है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इसकी। तो पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे। गिवन डाटा में क्यू दिया हुआ है हमें 5×10^6 और आर हमें दिया हुआ है, वेक्टर की सूरत में दिया हुआ है 4×3, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने ई करना, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम। एज वी नो दैट, अच्छा एक चीज आपने नोट करनी है, अगर हमें ये वेक्टर की सूरत में दिया हुआ है तो हमें ई भी वेक्टर की सूरत में लेंगे, ठीक है। यहां पे हम आर, ठीक है, आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और यूनिट वेक्टर हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर अवर मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम इसका आर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, वो आप सबको आता होगा फाइंड करना, ठीक है। 16+9=25, 5, ठीक है। आर का मैग्नीट्यूड आ गया 5। अब सिंपली हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे सारी। पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ई, टी की वैल्यू, पिछले लेक्चर में भी हमने रिपीट किया कि की वैल्यू होती है 9×10^9, ठीक है। 9×10^9 क्यू, क्यू की वैल्यू क्या हमें दी हुई है, 5×10^-6 और आर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, आर मैग्नीट्यूड की हमें वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 5 और इसका स्केयर ले लेंगे, ठीक है। और इसके साथ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर हमने फर्दर लिखा था कि ये इसके साथ होता है इसकी जगह, ठीक है। तो अब हमें वेक्टर का पता है, आर का वेक्टर क्या है, 4+3j और बटे में 5 आ जाएगा। सर इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आती है, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, फिर इसके साथ, देन डिवाइड कर देना है 125 के साथ। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर। हमारा अगला न्यूमेरिकल 12.5 है। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, 2 point charges Q1 −1×10^6 कूलम, देन Q2 + 4×10^6 कूलम आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर, डिस्टेंस 3 meters, फाइंड एंड जस्टिफाई 0 feet लोकेशन। तो हमारे पास ये कोई डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में क्या है, ये Q2 है चार्ज हमारा और ये Q1 है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, और ये दोनों जो डिस्टेंस पर सेपरेट है वो है 3, ठीक है। अब हमने एक पॉइंट है जो हमने सेटिस्फाई करना है, 0 feet लोकेशन हमने निकालनी है, वो है पी पॉइंट फर्स्ट कर लें, ठीक है। अब उसके लिए हमें जो Q2 से हमारा डिस्टेंस होगा P का, वो होगा R2=x+3 और जो Q1 से होगा वो R=x होगा, ठीक है। R1 होगा हमारा x, हम इधर लिख लेते हैं R1=x और R2=x+3, ठीक है। और हमारे पास चार्जेस हैं Q1 −1×6 कूलम, Q2 है 4×10^6 कूलम।
तो अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी या नेट इंटेंसिटी इज जीरो। तो वो है डिस्टेंस एक्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन पे आ जाते हैं जी, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द बॉल चार्जेस इज जीरो एट पॉइंट पी। तो हमने ये ई वन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ई टू का मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है। अब एक चीज याद रखनी है कि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो क्यू वन है वो हमारा माइनस में है, तो क्योंकि ये माइनस में है और हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका हमें फॉर्मूला पता था, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आर वन आर टू के कैसे कैंसिल, क्योंकि बोथ सेम है। क्यू वन और आर वन स्केयर इज इक्वल टू क्यू टू आर टू स्केयर, ठीक है। क्यू वन की वैल्यू क्या है, वन इंटू पावर माइनस सिक्स, ठीक है। और आर वन हमने एक्स लिया हुआ है, एक्स का स्केयर हो जाएगा। क्यू टू हमारा क्या है, फोर इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स। आर टू क्या है, आर टू देखिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक्स प्लस थ्री का होल स्केयर, ठीक है। ये माइनस सिक्स की पावर माइनस सिक्स से कैंसल आउट हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग ये चीज़ बची है, अब हम इसका ना स्केयर रूट ले लेंगे, एक स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्केयर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास स्केयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये फोर था, स्केयर रूट की वजह से टू हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको अब हम सिंपल सॉल्व करेंगे, करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स की पावर हम एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 3 meters, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है कि यहाँ से क्यू वन से 3 meter डिस्टेंस पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगी। थैंक यू सो मच।